नेक्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस गॉट इट्स फ्रॉम इन द पेरिस पीस प्रोसेस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पेरिस पीस थी, ये प्रोसेस में ही जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो थी वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो नेशंस थे उनको दी गई थी। और इसका जो मेन एम यही था कि उसके अंदर जो है मेजोरिटी जो नेशंस है वहाँ पे जो पीस यानी कि शांति बनाए रखे। लेकिन सिंस जर्मन वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर इट हैड टू पे 6.5 बिलियन पाउंड एज वॉर फाइन। और जिसके हिसाब से जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जिम्मेदार था और जिसके वजह से उसको 6.5 बिलियन पाउंड का जो है फाइन लगा था। इट रूहर्स प्रोविजन वॉज टेकन अवे और जिसके वजह से जर्मनी का जो रूहर प्रोविजन रूहर प्रदेश जो था वो ले लिया गया। राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट। जो राइन रिवर है वो इंटरनेशनल सी रूट के लिए ओपन की गई। द सच एन अनफेयर एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी वॉज फोर्सिबली इम्पोज ऑन जर्मनी। इस तरह जो जर्मनी के अंदर जो है अनफेयर और ह्यूमिलिटी वाली जो ट्रीटी है वो फोर्सफुली उसके ऊपर इम्पोज की गई, लाई दी गई। द जर्मन डिटेक्टर एडोल्फ हिटलर कॉल द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एज अ पीस ऑफ पेपर एंड अनाउंस टू रिजेक्ट इट। जो जर्मन के जो डायरेक्टर थे, मतलब जब उनके एडोल्फ हिटलर जो रूल पे थे, तो उन्होंने ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी उसको पीस ऑफ पेपर करके जो है मतलब पीस ऑफ पेपर ऐसा अनाउंस किया और उसके बाद उसे रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार पाई गई। उसके जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए थे शांति बनाए रखने के लिए, जिसको एडोल्फ हिटलर ने जो है वो माना नहीं। इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑन एडोल्फ हिटलर। हिटलर लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ही हैड अ फियर्स नेशनलिस्ट एंड मिलिटरिस्ट नेचर। हिटलर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए फाउंडेशन मतलब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए होने के लिए उसको जिम्मेदार ज़्यादा माना जाता था, बिकॉज ऑफ उनका जो नेचर था वो नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्र प्रेम का और मिलिट्रिस्टिक नेचर था। दैट्स वाई ही विश द यूनिटी स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ जर्मन एट एनी कॉस्ट। और जिसकी वजह से वो जर्मनी का जो यूनिटी स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी है वो किसी भी हाल में पाना चाहते थे। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ हिज इम्पीरियलिस्टिस वॉज ऑस्ट्रेलिया। और उसके साम्राज्यवादी जो नीति थी उसके फर्स्ट विक्टिम जो है वो ऑस्ट्रेलिया बनी। अलॉन्ग विद जर्मन आर्मी ही एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन 12 मार्च 1938। और जिसके मुताबिक जर्मन आर्मी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 12 मार्च को एंटर हुई। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द म्यूनिच कॉन्वेंशन जर्मनी हैड कैप्चर जिकोस्लोवाकिया 1 अक्टूबर 1930। नेक्स्ट डे जो है वो म्यूनिच कॉन्वेंशन के द्वारा जर्मनी ने जिकोस्लोवाकिया जो है वो कैप्चर किया 1 अक्टूबर 1938 को। आफ्टर दैट इट हैड कैप्चर द मेमल पोर्ट ऑफ लिथियाना इन मार्च 1939। और उसके बाद उसने मेमल पोर्ट, ये एक पोर्ट था लुथियाना में, जो कैप्चर किया। दस अ ग्रैंड जर्मन नेशन वॉज क्रिएटेड बाय हिटलर। और इस तरह जो है ग्रेट जर्मन को, जर्मनी सिटी को जो है उन्होंने एक्सटेंड, हिटलर ने एक्सटेंड किया। हिज इंपीरियलिस्ट पॉलिसी वॉज मेन कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस वे हिटलर्स इंपीरियलिस्ट पॉलिसी
इंपीरियलिस्ट पॉलिसी इज द कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. After that, next factor responsible for Second World War is German attack on Poland and immediate cause. ये जो factor था, that should be immediate factor. The above mentioned cause had made the whole world so sit on the heap of ammunitions. ये जो पूरा पूरे causes थे, हम लोगों ने जो आगे जो factors जो है वो हम लोगों ने जो डिस्कस किए, ये सारे जो थे वो उन्होंने पूरी कंट्री को हीप ऑफ एमिनेशन, यानी कि जो बॉम्ब के अंदर जो ज्वाला यूज होता है, दैट इज अ वन टाइप ऑफ अल्कोहलिक थिंग दैट शुड बी एक्सप्लोइटेड टू एनीथिंग अबाउट इट. तो जो एक्सप्लोइटेड चीज है उसके लिए उसको हीप ऑफ, यानी जो एक्सप्लोइटेशन करता है ऐसी जो चीज है उसके ऊपर पूरे नेशन को बिठा दिया था. अ स्मॉल स्पार्क कुड ब्लो अप द होल वर्ल्ड. एक छोटा सा स्पार्क भी ये पूरे देश को, यानी पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता था, जला सकता था. एंड दिस स्पार्क वॉज जर्मन अटैक ऑन द पीसफुल पोलैंड September 1, 1939 अर्ली मॉर्निंग. और ये जो स्पार्क है वो जर्मन ने किया. जर्मनी ने सबसे पहले पीस, शांति वाला जो देश था पोलैंड, जिसके ऊपर 1 September 1939 को अर्ली मॉर्निंग में अटैक किया. दस वर्ल्ड वॉर है सेकेंड हैड बिगेन, और जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉन जर्मनी टू स्टॉप द वॉर इमिडिएटली, बट जर्मनी इग्नोर द वार्निंग. ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को वार्निंग भी दिया कि वो तुरंत ही ये जो वॉर है वो समेट ले, लेकिन उन्होंने, जर्मनी ने उनकी वार्निंग जो है वो ना मानी, इग्नोर की. हैंस ब्रिटेन एंड फ्रांस प्लंग इनटू दिस वॉर, और इसके वजह से ब्रिटेन और फ्रांस भी ये वॉर के अंदर जुड़ गया, इंक्लूड हो गया. कॉन्सिक्वेंटली द वॉर स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड, और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में जो है फैल गया. And this way, the Second World War was spread into the whole world. After that, World War II, an outline, ये जो है हम लोगों को World War II की outline दी गई थी कि किस तरह जो है nations, अलग अलग nations के बीच में World War हुआ था. तो with the common cement of the World War II, the World War was again divided into two groups. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होते ही, कॉमन सेंस यानी टू स्टार्ट होते ही, जो पूरे वर्ल्ड को है दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया. ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ अलाइड नेशन लीड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस. एक तरफ जो थे अलाइड नेशन, यानी फ्रेंड्स, फ्रेंड नेशन थे, जिसके अंदर जो है इंग्लैंड और फ्रांस थे. एंड On the other side was the group of Axis nation comprising Germany, Italy and Japan. और दूसरी तरफ जो है वो Axis nation, जो धरी nations थे, जिसके अंदर जर्मनी, इटली और जापान थी. Besides these, some other factors with war driven mentality had entered into this. और जिसके धीरे धीरे ये जो वॉर था इसके अंदर दूसरे फैक्टर्स भी जो है जो मेंटली थे, जो ज्यादा वॉर को स्प्रेड करना चाहते थे, तो ऐसे मेंटली जो फैक्टर्स थे वो भी अंदर, ये जो वॉर के अंदर चले गए. जापान अटैक द अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर में अमेरिकन नेवी के ऊपर जापान ने अटैक किया. एज अ रिजल्ट अमेरिका गेव अप on its neutral stand and retaliated. और जिसकी वजह से अमेरिका ने उसकी जो स्टैंडिंग अपोजिशन वाली जो पॉलिसी थी वो उसने छोड़ के उस सामने से उन्होंने भी आंसर जवाब दिया. इट ज्वाइंड द अलाइड नेशन, और अलाइड नेशन के साथ जुड़ गए, दस मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर, जिसके वजह से अलाइड नेशन जो है ज्यादा स्ट्रांग बने. वेन द वॉर वॉज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, अमेरिका ड्रॉप एटम बॉम्ब्स ऑन द टू जापानीज सिटीज
हिरोशिमा एंड नागासाकी इन ऑर्डर टू स्टॉप जापान फ्रॉम मूविंग एनी फर्दर। जब जो ये वॉर जो है कम्प्लीटली आगे बढ़ रहा था पूरी तेजी से, तब अमेरिका ने जापान के ऊपर दो एटम बॉम्ब डाले, दो बिग सिटी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर दो एटम बॉम्ब डाले, जिसके वजह से जापान कभी भी आगे जा मूव यानी कि चल ना सका। 1,24,000 जापानीज सिटीजन लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर वॉज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। 1,24,000 पीपल्स जो है वो डेथ हो चुके थे एंड बहुत बड़ी मात्रा में डिस्ट्रक्शन हुआ था। जापान सराउंडेड 11 अगस्त 1945 एंड वर्ल्ड वॉर टू कम टू एन एंड। जापान ने जो है 11 अगस्त 1945 को सरेंडर किया और उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हुआ। वी हैव टू बी सी दैट ये जो एटम बॉम्ब थे उसकी जो इफेक्ट ही वो इफेक्ट जो है प्रेजेंटली हम लोग अभी भी देखते हैं कि वहाँ के जो लोग है आफ्टर द सम ऑफ टाइम 1939 के अंदर जो वॉर हुआ था उसके बाद जो है ये सिचुएशन हम लोग अभी भी देखते हैं कि वहाँ के जो लोग है अभी भी जो हैंडीकैप्ड एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज वाले जो है वो बॉर्न होते हैं। तो ये एटम बॉम्ब इतने विनाशकारी थे कि उसकी असर जो है अभी भी दिखती है।